आज हम इस वीडियो में दो प्रीमियम 7 सीटर SUV टोयोटा फॉर्च्यूनर और MG ग्लोस्टर का कंपैरिजन करने वाले हैं, और इस कंपैरिजन में हम ये दोनों गाड़ियों के डाइमेंशंस, इंजन स्पेसिफिकेशंस, माइलेज, फीचर और प्राइस के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये दोनों गाड़ियों के डाइमेंशंस के बारे में। फॉर्च्यूनर की लेंथ है 4795 mm, जो 190 mm कम है ग्लोस्टर की लेंथ से, और इसकी विड्थ है 1855 mm, जो 71 mm कम है ग्लोस्टर की विड्थ से, और फॉर्च्यूनर की हाइट है 1835 mm, जो 32 mm कम है ग्लोस्टर की हाइट से, और इसका व्हील बेस है 2745 mm, जो 205 mm कम है ग्लोस्टर के व्हील बेस से। ऑन पेपर डायमेंशंस के मामले में तो MG ग्लोस्टर ही क्लियर विनर है, क्योंकि ग्लोस्टर टोयोटा फॉर्च्यूनर से सभी मामलों में आगे है। और अगर हम ये दोनों गाड़ियों में मिलने वाली बूट स्पेस की बात करें तो MG ग्लोस्टर में हमें 343 लीटर की बूट स्पेस मिलती है, और टोयोटा फॉर्च्यूनर में 296 लीटर की। बूट स्पेस के मामले में भी MG ग्लोस्टर टोयोटा फॉर्च्यूनर से आगे है। और अब हम बात कर लेते हैं ये दोनों गाड़ियों की इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। टोयोटा फॉर्च्यूनर में हमें डीजल और पेट्रोल दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन MG ग्लोस्टर में हमें सिर्फ डीजल इंजन का ही ऑप्शन मिलता है। तो पहले मैं आपको टोयोटा फॉर्च्यूनर के इंजन के बारे में बता देता हूँ। तो हमें फॉर्च्यूनर में 2.7 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 163 bhp की पावर और 245 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। और टोयोटा फॉर्च्यूनर के पेट्रोल इंजन में हमें 17 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल जाता है। और अब मैं आपको फॉर्च्यूनर के डीजल इंजन के बारे में बता देता हूँ। तो हमें फॉर्च्यूनर में 2.8 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन मिलता है, जो 201 bhp की पावर और 500 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। और फॉर्च्यूनर के डीजल इंजन में हमें 10 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल जाता है। और अब मैं आपको MG ग्लोस्टर के इंजन के बारे में बता देता हूँ। तो हमें ग्लोस्टर में 2.0 लीटर का 4 सिलेंडर ट्विन टर्बो डीजल इंजन मिलता है, जो 212 bhp की पावर और 478 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। और MG ग्लोस्टर के डीजल इंजन में हमें 12 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल जाता है। ये जो माइलेज मैंने अभी आपको बताया है, ये हमें कंपनी क्लेम करती है, लेकिन रियल लाइफ में हमें इतना मिलता नहीं है। इंजन स्पेक्स के मामले में तो टोयोटा फॉर्च्यूनर ही क्लियर विनर है, क्योंकि फॉर्च्यूनर में हमें डीजल और पेट्रोल दोनों इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं इनमें मिलने वाले कम्फर्ट और सेफ्टी के फीचर्स के बारे में। तो पहले मैं आपको उन कॉमन फीचर्स के बारे में बता देता हूँ जो ये दोनों गाड़ियों में हमें मिल जाते हैं। तो ये दोनों गाड़ियों में हमें एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ब्रेक असिस्ट, 6 एयरबैग, डे नाइट रियर व्यू मिरर, सीट बेल्ट वार्निंग, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, रियर पार्किंग कैमरा, स्पीड अलर्ट सिस्टम, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंटिंग, हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, वायरलेस चार्जर, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फ्रंट सीट, वेंटिलेटेड सीट, ड्यूल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी वेंट, क्रूज कंट्रोल, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर, कीलेस एंट्री, इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन, वॉइस कमांड, हैंड फ्री टेलगेट और सीट बेल्ट पिटिशनर। ये सारे सेफ्टी और कंफर्ट के फीचर्स हमें ये दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। और अब मैं आपको वो फीचर्स बता देता हूँ जो हमें टोयोटा फॉर्च्यूनर में मिल जाते हैं, लेकिन ग्लोस्टर में नहीं मिलते। तो हमें फॉर्च्यूनर में 7 एयरबैग, ग्लोस्टर में हमें 6 एयरबैग मिलते हैं, और व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल और कूल्ड ग्लोव बॉक्स, सिर्फ ये 3 फीचर हैं जो हमें फॉर्च्यूनर में ज़्यादा मिल जाते हैं। और अब मैं आपको वो फीचर्स बता देता हूँ जो हमें MG ग्लोस्टर में मिल जाते हैं, लेकिन फॉर्च्यूनर में नहीं मिलते। तो हमें ग्लोस्टर में 7 ड्राइव मोड, फॉर्च्यूनर में हमें 4 ड्राइव मोड मिलते हैं, और टायर प्रेशर मोनिटर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट विथ हीटिंग। फॉर्च्यूनर में हमें वेंटिलेटेड सीट तो मिल जाती है, लेकिन उसमें हीटिंग का ऑप्शन नहीं है, और फॉलो मी हेडलैम्प्स, 3-जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। फॉर्च्यूनर में हमें ड्यूल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, और पेनोरामिक सनरूफ, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम, ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटोमेटिक पार्किंग असिस्ट। ये एक ऐसा फीचर है जिससे आप आपकी कार को ऑटोमेटिक पार्किंग असिस्ट पर लगाओगे तो आपकी कार ऑटोमेटिक ही पार्क हो जाएगी। और 12 इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन, फॉर्च्यूनर में हमें सिर्फ 8 इंच की स्क्रीन मिलती है। तो ये सारे सेफ्टी और कंफर्ट के फीचर्स हमें
एमजी ग्लोस्टर में मिल जाते हैं, लेकिन टोयोटा फॉर्चुनर में नहीं मिलते। फीचर्स के मामले में तो एमजी ग्लोस्टर ही क्लियर विनर है, क्योंकि ग्लोस्टर में हमें कई सारी यूजफुल फीचर मिल जाते हैं जो रियल लाइफ में काफ़ी काम आते हैं। टोयोटा फॉर्चुनर की लुक्स काफ़ी ज़्यादा शानदार है, लेकिन फॉर्चुनर में सिर्फ एक ही कमी है, हमें उसमें बहुत ही कम फीचर मिलते हैं। और हम ये दोनों गाड़ियों में मिलने वाले टायर साइज की बात करें तो टोयोटा फॉर्चुनर में हमें 18 इंच के टायर मिलते हैं और एमजी ग्लोस्टर में 19 इंच के, एक इंच बड़े। और अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं ये दोनों गाड़ियों की प्राइसिंग के बारे में। तो पहले मैं आपको एमजी ग्लोस्टर के प्राइस बता देता हूँ। ग्लोस्टर की एक शोरूम प्राइस 38.08 लाख से स्टार्ट होकर इसके टॉपी रेंट की कीमत 43.08 लाख रुपीज़ है, और इस प्राइस पॉइंट के साथ ये एक वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है। और अब हम टोयोटा फॉर्चुनर की प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो फॉर्चुनर की एक शोरूम प्राइस 32.99 लाख से स्टार्ट होकर इसके टॉप मॉडल की कीमत 50.74 लाख रुपीज़ है। और अगर हम ये दोनों गाड़ियों की टॉप वेरिएंट की प्राइस को कंपेयर करें तो टोयोटा फॉर्चुनर एमजी ग्लोस्टर से करीब 7 लाख रुपये महंगी है, जो काफ़ी बड़ा अमाउंट है। लेकिन फिर भी टोयोटा फॉर्चुनर टॉप सेलिंग कार की लिस्ट में अपनी जगह आसानी से बना लेती है, क्योंकि फॉर्चुनर की लुक्स काफ़ी ज़्यादा शानदार है और इसीलिए इंडिया में इसे इतना ज़्यादा पसंद किया जाता है। फॉर्चुनर को खरीदने के लिए काफ़ी सारे रीज़न हैं, जैसे इसकी लुक्स, इसकी रोड प्रेजेंस, इसका माइलेज, इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी, इसकी आफ्टर सेल सर्विस, रीसेल वैल्यू, ऐसे कई सारे रीज़न हैं। और वहीं हम ग्लोस्टर को खरीदने की रीज़न की बात करें तो हमें ग्लोस्टर में केबिन स्पेस, बूट स्पेस, फीचर, ये सब कुछ फॉर्चुनर से ज़्यादा मिलता है। और इन सब के बाद भी ग्लोस्टर की प्राइस फॉर्चुनर से काफ़ी ज़्यादा कम है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। और आपको ये दोनों कार में से कौन सी कार पसंद आई है कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।